नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज है शिल प्रभुपाद का पेरेंट्स डे आविर्भाव दिवस। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्त्वतः तत्त्व देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्तु अर्जुन। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य से तात्पर्य यह है कि इस भगवान के जन्म और कर्म के ऊपर भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते। कैसे नियम लागू नहीं होते कि हमारा जन्म कैसे होता है? तो हमारा जन्म होता है हमारे कर्म फल के अनुसार, है ना। हमने जैसा कर्म किया है उसके फल अनुरूप हमको नेक्स्ट लाइफ प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे नेक्स्ट बॉडी हमें कैसे प्राप्त होगी? तो अब वैदिक साहित्य है वो बार बार क्लैरिफाई करता है कि जो शरीर है ये वास्तव में हमारी संपत्ति नहीं है। हम इसमें टेनेंट की तरह, एक किराएदार की तरह रहते हैं। और अगर हम बोले नहीं ये मेरी ही संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति से हमें क्यों निकाल दिया जाता है? एक समय आता है कि जब हमें धक्के मार करके इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, तब हम नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ तो हमें अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये किराए की संपत्ति, हम किराए से यहाँ पे रहते हैं और वास्तव में हमारा नहीं है, क्योंकि भूमि अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जिन एलिमेंट्स का जिन वस्तुओं का बना है वो सब कृष्ण की संपत्ति है। भगवान गीता में कह रहे हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति रचिता। ये मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, मेरी शक्तियां हैं। वास्तव में जो शरीर हमने प्राप्त किया ये हमारी संपत्ति नहीं है, भगवान कृष्ण की संपत्ति है और हम इसके अंदर किराए से रहते हैं। आत्मा यहाँ पे कुछ टेन्योर के लिए यहाँ पे किराए से रहती है। अब पॉइंट ये है कि ये जब हम छोड़ेंगे शरीर तो नेक्स्ट शरीर कैसे धारण करेंगे? तो निर्भर करता है कि हम, जैसे मान लीजिए अभी एक किराए के मकान में हम रहते हैं, तो ये किराए के मकान को हम छोड़ेंगे तो दूसरे किराए के मकान में जाएंगे, तो दूसरे किराए के मकान में जाएंगे वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि हम कितना किराया चुका सकते हैं। अगर हम अधिक किराया दे सकते हैं तो हम बेटर मकान में जाएंगे, कम किराया दे सकते हैं तो कम स्टैंडर्ड के मकान में जाएंगे। ये किराया क्या है? ये है पुण्य। विभिन्न प्रकार के जो पुण्य जीवात्मा करती है एक शरीर में, तो वो उसके अन्य नेक्स्ट बॉडी के लिए उसको क्वालिफाई करता है कि उसको किस प्रकार के शरीर मिलेगा, पाप और पुण्य। तो अभी हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, मनुष्य का शरीर है, पुरुष का शरीर है और कोई रोग नहीं है, क्रोनिक डिसीजेस, आर्थिक रूप से सभी सिचुएशन ठीक है। जिसका मतलब है कि निश्चित रूप से पूर्व जन्म किए गए पुण्य फल का ही, पुण्य किए जो हमने पुण्य किए उसका फल स्वरूप हमें इस प्रकार का जीवन प्राप्त हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग बहुत ही गरीब अवस्था में जन्म लेते हैं, फिर बीमारियों से जूझते हैं और बहुत सारे लीगल इम्प्लिकेशन में फंसे होते हैं, क्रोनिक डिजीज में फंसे रहते हैं इस तरीके से। या नॉर्थ कोरिया में किसी ने जन्म लिया है, इमेजिन करें उनकी हालत कैसी होती है। तो विभिन्न प्रकार के पाप कर्म अनुसार, या नारकीय योनि जिसे जीव अन्य पशुओं की योनि प्राप्त करना जो मनुष्य की योनि से निचली स्तर की योनि है, तो ये सब कम पुण्य या अधिक पाप के फल स्वरूप इस प्रकार के शरीर प्राप्त। तो जीवात्मा जो भी शरीर प्राप्त करती है उसके पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य के फल अनुरूप होता है। तो इसलिए हमारा जन्म और कर्म वास्तव में हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हम जहां जन्म लेना चाहें वहां ले सकते हैं। तो हमारे जन्म और हमारे कर्म सब कुछ प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। इसी को बद्ध जीवात्मा कहते हैं। बद्ध, हम बद्ध क्यों हैं? क्योंकि हम प्रकृति के नियमों में बंधे हुए हैं और हम अपनी स्वतंत्रता के साथ में, जहाँ हमको जन्म लेना है, किस प्रकार का हमें ऑक्यूपेशन करना है, किस प्रकार के हमारे संस्कार होंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते।
लेकिन जब भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं तो उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं। दिव्य से तात्पर्य यह है कि उनके जन्मों और कर्म, जो उनके जन्म और कर्म के ऊपर ये जो प्रकृति का नियम है, भौतिक प्रकृति का नियम लागू नहीं, ये बारंबार समझने वाला खेल है। भगवान जब गीता में कह रहे हैं कि प्रभुपाद का मानो तो मोस्ट फेवरेट श्लोक है ये, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। बोल रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्वतः इसको जानता है, जो एलिमेंटल, जो साइंटिफिकली इसको जानता है, जो सही सही समझता है, तक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति, इस शरीर को त्यागने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मामेति मेरे पास आ जाता है, गारंटी दे रहे भगवान, मामेति सो अर्जुना। लेकिन जब लेकिन हमारा जो जन्म और कर्म है हमारे, वो प्रकृति के नियमों की तरह बाध्य है, तो भगवान में और सामान्य जीव में ये अंतर है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भगवान इस संसार में आते हैं तो अजोपि सन अभय आत्म भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय सम भवामी आत्म माया। अजोपि, अजोपि मतलब जन्म रहित है, अव्यय आत्मा, अव्यय व्यय नहीं होता उनका, वो उनमें घटाव बढ़ाव नहीं होता, वो तो जैसे हैं वैसे हैं। भूता नाम ईश्वरोपि सन, भूता नाम ईश्वरोपि सन मतलब सभी जीवों के ईश्वर हैं, लेकिन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामी आत्माया, लेकिन अपनी ही माया से इस प्रकृति के अंदर प्रकट होते हैं। तो प्रकट होते हैं और तो उनका प्राकट्य सामान्य जीव के प्राकट्य से सर्वथा भिन्न है। और उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान के शुद्ध भक्तों का भी जन्म और कर्म दिव्य है। श्रील प्रभुपाद जी संसार में प्रकट हुए हैं तो हमें नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी का प्राकट्य जन्म और कर्म के नियम के अधीन है, कि प्रभुपाद जी पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, फिर उस प्रकार से उनको इस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ, इस प्रकार घर में वो जन्म लिए, या प्रभुपाद जी भी एक सामान्य जीव की तरह प्रकृति के नियम में बंधे हुए हैं। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि जो वैष्णव है वो प्रकृति, वो भगवान गीता में रहे महात्मा नामस्तु माम पार्थ दैविम प्रकृति में आश्रय था, वो दैवी प्रकृति के आश्रय में, भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में है, और अंतरंगा शक्ति के आश्रय में होने का अर्थ है, देखिए जीवात्मा या तो अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहेगी या तो बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहेगी, क्योंकि जीवात्मा क्या है, भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति का अर्थ क्या होता है, तट पर स्थित है। तट पर स्थित मतलब जैसे आप देखिए जब समुद्र, समुद्र में आप देखेंगे कि एक हिस्सा होता है जमीन दिख रही है आपको, सूखा हुआ लग रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें पानी आ जाता है, लहर आ जाती है, अब वो भीग गया, तो उस पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड को तट कहते हैं। तट मतलब वो सूखा भी नहीं और गीला भी नहीं, मतलब कभी वो सूखा है कभी वो गीला है, कभी वो पानी के संपर्क में है कभी वो जमीन के संपर्क में। तो जीवात्मा को भी तटस्थ शक्ति कहते हैं, मार्जिनल, कभी वो अंतरंगा शक्ति के आश्रय में होती कभी बहिरंगा शक्ति के आश्रय में आ जाती। तो अभी हम सब है बहिरंगा शक्ति के आश्रय में, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो है अंतरंगा शक्ति के आश्रय में, और जो अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहता है वो सब कुछ डायरेक्टेड बाय कृष्णा, भगवान के द्वारा उनके जीवन में सब कुछ डायरेक्टेड होता है, लेकिन बहिरंगा शक्ति में जो सब कुछ डायरेक्टेड होता है प्रकृति गुणों के द्वारा, प्रकृति क्रियामाणि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो सामान्य जीव है जो भौतिक प्रकृति के आश्रय में है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा नियंत्रित होता है, तत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये अंतर है एक सामान्य बद्ध जीव में और एक मुक्त जीव, जो भगवान का भक्त वैष्णव है उसमें। उसका उदाहरण आप समझिए कि भाई हर हर व्यक्ति जो जेल में जाता है वो क्रिमिनल नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत लोग किसी का मर्डर करके, रेप कर, चोरी करके, डकैती करके जेल में जाते हैं,
लेकिन कभी कभी राजा का जो प्रतिनिधि होता है, प्रधानमंत्री का जो प्रतिनिधि होता है, जो नेता होता है या मंत्री होता है या कोई सरकारी अफसर होता है, वो भी जेल का दौरा करता है। लेकिन उसका जेल का दौरा करना और एक क्रिमिनल का जेल का दौरा करना समान स्तर पर नहीं है। उसी प्रकार से इस संसार में हम सब आए हैं, और हम सब आए हैं तो हमको एक प्रिजन सूट मिला है। ये जो मटेरियल बॉडी है, ये प्रिजन सूट है। और प्रिजन सूट क्यों है? प्रिजन सूट इसलिए है क्योंकि ये पेन देने के लिए, कष्ट देने के लिए शरीर हमको मिला ही है, कष्ट देने के लिए। जब तक संसार इस शरीर के बंधन में रहेंगे तो हम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, भूख प्यास, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब विकारों से ग्रस्त रहेंगे। कब तक? जब तक ये जीवात्मा के पास शरीर है, तब तक। तो हम इस प्रिजन सूट में हैं, और हमें जीवात हमें कष्ट दिया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के टॉर्चर मिल रहे हैं। प्रिजन सूट है मतलब हम एक जेल में हैं और हमें प्रिजन सूट दिया गया है। लेकिन इस जेल का दौरा करने के लिए कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं, और कभी कभी अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जैसे शील प्रभुपाद। और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? वो प्रतिनिधि बताते हैं कि किस प्रकार से इस जेल से बाहर निकला जाए। और न केवल जेल से बाहर निकला जाए, अभी तो जेल से बाहर निकल के कैसे राजा की डायरेक्ट नौकरी में जुक्त हो जाया जाए। इमेजिन करिए, कोई जेल के अंदर फंसा हुआ है, सेंट्रल जेल में है, तिहाड़ जेल में है, और वहां पे उसको लाठियां पड़ रही है, पिट रहा है हर दिन, कठोर परिश्रम करना पड़ता है जेल में। आप जानते होंगे, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, गड्ढे खोदने पड़ते हैं, सिलाइयां करवाते हैं वो लोग, कढ़ाई करवाते हैं, रसोई करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं। तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है जेल के अंदर। तो जेल के अंदर पिटाई भी पड़ती है, परिश्रम भी होता है, बहुत कष्ट है। लेकिन जो ज्यादा समय जेल में रह जाता है तो उसको जेल ही अच्छा लगता है, क्योंकि जेल में वो दादा बन जाता है। वो दो चार अन्य जो छोटे, जो नए नए कैदी आते हैं, जो जूनियर कैदी होते हैं, तो वो उनके ऊपर दादागिरी करता है, रैगिंग लेता है। तो जेल के अंदर है, फंसा हुआ है, दुखी है, लेकिन अपने आप को बहुत सुखी समझता है। और विशेष रूप से इस जेल के अंदर का जो कैदी है, इसको अगर दो चार जो नए नए कैदी हैं वो इसकी जी हुजूरी करें, इसको सुबह शाम सैल्यूट ठोकें, इसे कपड़े धो दिया करें, इसको खाना खिला दिया करें, थोड़ा हाथ पैर दबा दिया करें, मालिश कर दिया करें, तो ये जो जेल में फंसा हुआ कैदी है अपने आप को परम सुखी समझता है। ये हम सबकी हालत, इस भौतिक जगत रूपी जेल के अंदर हम फंसे हुए हैं। और थोड़ी सी कोई 25-30 हजार रुपए की नौकरी लग जाती तो हम अपने आप को इतना खुश किस्मत समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने जेल को पार कर लिया। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, जो पीड़ित है, आर्त अर्थार्थी जो धन की कामना रखता है, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इनमें से अधिकतर लोग केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भगवान के पास आते हैं। जब तक इनका स्वार्थ है तब तक ये भगवान के पास आते हैं, जब इनका स्वार्थ पूरा हो गया तो भगवान को भूल जाते हैं। इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते। कोई अर्थार्थी अर्थ चाहता है, उसको अर्थ मिल गया, काम खत्म, चलो भगवान को भूल जाता है। कोई व्यक्ति कष्ट में होता है तो भगवान के पास आता है, जैसे कष्ट खत्म हो गया। कई बार ऐसा हुआ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आते थे, बहुत कष्ट में थे, कंपनी लॉस में चल रही थी, पारिवारिक समस्याएं थी इत्यादि, तो मेरे पास आते थे, मैं उनको काउंसलिंग करता था, बताता था, बातचीत करता था, धीरे धीरे माला जप करते थे, कार्यक्रमों में आया करते थे, यथासंभव डोनेशन भी दिया करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद में जब सिचुएशन सब ठीक हो गई, कंपनी बढ़िया हो गई, घर जैसी अच्छी चलने लगी, अब आना खत्म हो गया, नहीं आते हैं। इसी तरीके से हम स्टूडेंट्स लोग को देखते हैं, जब तक कॉलेज में रहते हैं, दूर से थोड़ा सा जुड़े रहते हैं, जब कॉलेज से चले जाते हैं या फिर दूर चले जाते हैं, नौकरी लग जाती है, पैसा आने लगता है, गर्लफ्रेंड बन जाती है, बाइक है, हु दुआ रहे हैं, घुमा रहे हैं, अब उनको क्या कृष्ण भक्ति करनी है। तो जेल के अंदर पड़ा हुआ व्यक्ति है और थोड़ा सा दादागिरी का अवसर मिल जाता है तो अपने को कितना खुश किस्मत समझता है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो पिटता है जेल में, कम से कम उसकी जेल से बाहर निकलने की एक एक अभिलाषा, एक आकांक्षा है। लेकिन जो व्यक्ति जेल के अंदर कंफर्टेबल हो गया है,
उसे क्या आप मदद करेंगे, क्या मदद आप करेंगे? तो उसी इसलिए तो जो व्यक्ति जेल में पिटाई खा रहा है, मार पड़ रही है जिसको, वो बहुत वो वास्तव में फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि जेल के बाहर भी एक अच्छी दुनिया है, और न केवल बाहर एक दुनिया है, अगर हम इस देश के राजा के पर्सनल सर्वेंट बन जाए तो हमें जैसा हम जैसा राजा को भोग विलास मिलता है हमें मिलेगा। राजा के नौकर, राजा जो उस गाड़ी में जाते हैं, राजा के ड्राइवर उस गाड़ी में जाएगा, कि राजा का असिस्टेंट उस गाड़ी में जाएगा, राजा जिस प्रकार का भोजन करता है तो उस प्रकार का भोजन ये सेवक भी करेगा। आजकल तो देखिए दुर्भाग्य है राजाओं का कि जो नेता मंत्री लोग जब विदेश यात्रा पे जाते तो वो जो खाना खाएंगे वो खाना पहले कुत्ते को खिलाया जाता है ये देखने के लिए कि उसमें जहर है कि नहीं। तो हम लोग को कितना बड़ा सौभाग्य, हम महाप्रसाद है गोविंद, हम गोविंद का महाप्रसाद खाते हैं और वो लोग महाप्रसाद खाते हैं कुत्ते का, क्योंकि पहले कुत्ते को ऑफर होता है ना, फिर जब कुत्ते को ऑफर हो जाता है तो उसके बाद में फिर वो लोग कुत्ते का महाप्रसाद स्वरूप उस भोजन को ग्रहण करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, ये उनकी सक्सेस का स्टैंडर्ड है, कुत्ते का महाप्रसाद। तो खैर जो भी है, तो जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति जेल में फंसा हुआ है, पिट रहा है, और उसका अगर सौभाग्य का उदय हो जाता है तो वो समझ जाता है कि जेल से मुझे बाहर निकलना है, और ना केवल बाहर निकलना है, मुझे इस देश के राजा की नौकरी करनी है, तो मैं राजा की तरह ही भोग ऐश्वर्य का आस्वादन करूंगा। तो ये फॉर्चुनेट व्यक्ति है। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ये है जो जेल के अंदर कंफर्टेबल अनुभव कर रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जेल के बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं है। उल्टा वो तो ये कहते हैं कि अरे जेल से बाहर निकलेंगे तो कौन कमाएगा खाएगा, जेल में तो 2 वक्त की रोटी की 3 वक्त की रोटी बिना परिश्रम के मिल जाती है, कुछ साल बिता लिए ना जेल में तो दादा बन गया है, और जेल की पॉलिटिक्स में इसका हाथ है। ये कभी कभी जेलर भी इससे पूछ कर काम करता है कैसा करना है जेल में, तो उसको दादागिरी का शौक है, और बड़े दादा होते हैं तो उनको तो जेल के अंदर ही कूलर वूलर और टीवी भी लगा दिया जाता है, न्यूज़पेपर भी आता है, टाइम पास होता रहता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यशाली स्थिति है। लेकिन कभी कभी उस जेल के अंदर उस राजा के प्रतिनिधि दौरा करने आते हैं तो वो याद दिलाते हैं, अरे भाई तुम हो तो अल्टीमेटली जेल में। जो दुखी व्यक्ति है वो तो तुरंत आश्रय ले लेगा और समझ सुन लेगा कि हाँ भैया कि राजा के प्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं, वो बताते हैं कि इस जेल के बाहर भी एक दुनिया है, उसको तुरंत ग्रहण करेगा। जो थोड़ा कंफर्टेबल व्यक्ति होता है बोले क्या फालतू बात बोल रहे हैं, क्योंकि उनका इतना सौभाग्य का उदय नहीं हुआ, वो जेल के अंदर कंफर्टेबल हो गए कि लाइफ वेस्ट हो रही है। लेकिन फिर भी कभी अगर उस प्रतिनिधि की कृपा हो जाए इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर, और वो बताए कि तुम्हारा केवल इस संबंध जेल के साथ है, जेल के जेलर के साथ है, जेल के अन्य कैदियों के साथ है, लेकिन बाहर राजा है उसके साथ ही तुम्हारा संबंध हो सकता है, और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कितने लाभ हैं, और किस प्रकार का जीवन है उसके, उस जब तुम यहाँ पे 3 वक्त की रोटी तुम्हें मिल रही है बिना परिश्रम के, लेकिन राजा के साथ रहोगे तो 56 भोग खाने का अवसर मिलेगा और हाई स्टैंडर्ड का जीवन मिलेगा, थोड़ा सा परिश्रम करेंगे लेकिन जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर उसका सौभाग्य उदय होता है तो वो इस प्रतिनिधि की बात को सुनेगा, समझेगा, और जेल से बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा। तो मैं बता रहा था जो प्रतिनिधि जेल के अंदर आते हैं वो कैदी नहीं है, वो राजा के आदेश से जेल के अंदर आते हैं और राजा के मैसेज को अन्य कैदियों तक पहुंचाते हैं। यह है आचार्य, यह है वैष्णव, जो भगवान के आदेश से संसार के अंदर आते हैं, भगवान के मनोभाव को सभी जीवों के सामने प्रकट करते हैं, बताते हैं। जो जीव थोड़ा दुख में है, कष्ट में है, तो उनके लिए तो स्वीकार करना वो सहज है, सरल है, लेकिन जो दुख थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है वो इतनी इजीली कंफर्ट वो इतनी इजीली एक्सेप्ट करता नहीं है, क्योंकि वो तो कंफर्टेबल है ना। लेकिन अगर ऐसे प्रतिनिधि की कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसे वैष्णव की कृपा अगर हमको प्राप्त हो जाए, तो हम परम कंफर्ट के जोन को भी हम डिसकंफर्ट समझेंगे। वास्तव में भगवान कृष्ण के भजन में इतना सुख है, जो तथाकथित संसार का जो कंफर्टेबल पोजीशन है
वो बहुत बड़ा पॉइजन है, दुख है। लेकिन ये कब अनुभव होता है? प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों की कृपा को व्यक्ति लाभ करता है। तो कृपा कैसे लाभ की जाती है? तो मैं एक दिन केशवानंद प्रभु का लेक्चर सुन रहा था कि हम बोलते हैं कि किसी वैष्णव की कृपा मिल जाएगी तो जीव भगवान के धाम में चला जाएगा, किसी वैष्णव की कृपा मिल जाएगी तो जीव के हृदय में एक एक भूख जागृत होगी भगवान को प्राप्त करने की। तो ये जो कृपा मिल जाएगी, कृपा मिल जाएगी, कृपा मिल जाएगी, कृपा का अर्थ क्या है? हम बोलते हैं हमें साधु गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए, जिस कृपा के बल पर कृपा गुणेर या कुगृहांध कूपद उद्धृत भंग्य रघुनाथ दासम नास्य स्वरूप विदधे अंतरंगम श्री कृष्ण चैतन्य मुम प्रपद। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा रूपी रस्सी डाल करके रघुनाथ दास गोस्वामी को घर गृहस्थी रूपी अंधे कूप से बाहर निकाल लिया, कृपा की रस्सी। तो कृपा कृपा किसको कहते हैं? क्या गुरु जी ऐसे आशीर्वाद दिखा दे इसको कृपा कहते हैं? इस तरह अच्छी फोटो आ रही है, इस तरह कर सकते हैं, एक फोटो आप लोग खींच के लगा सकते हैं बड़ा सा फ्रेम में, ऐसा गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं इस तरीके से। कृपा कैसे आती है ऐसे? और उसमें भी फ्रेम में कुछ वीडियो एडिटर होगा तो यहाँ पे ओम बना देगा, जैसे रेज निकल रही है, ऐसे इस तरीके से रेज निकल रही है, कैसा लगेगा? इमेजिन करिए ऐसे, ठीक है ना? रोशन थोड़ा एडिटिंग करना जरा, कैसा लगेगा? ऐसे फोटो होगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ ओम लिखा होगा, तो कुछ रेज निकल रही है, कृपा। इसको कहते हैं कृपा? कृपा किसको कहते हैं? तो केशव को अच्छा पॉइंट बताया, कृपा का मतलब होता है ना साधु के मुख से निकली गई वाक्य, वैष्णव के मुख से निकली गई बात, यह है वास्तविक कृपा। ये कृपा हम जो कहते हैं ना कि कृपा मिल जाए, कृपा मिल जाए मतलब साधु की कृपा साधु के वाक्यों के माध्यम से प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति अगर प्रभुपाद जी कृपा को वास्तविक लाभान्वित होना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, केवल प्रभुपाद जी के शब्दों को सुने, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, तो ना केवल उस व्यक्ति को संसार से निकलने की एक अभिलाषा जागृत होगी, एक एक बढ़ेगी, अभी तो भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने, चरण कमल को प्राप्त करने के लिए भी आकांक्षा होती है। कभी कभी हम हतोत्साहित हो जाते भक्ति में, तो आप अगर कॉज खोजे कि हतोत्साहित होने का कारण ये है कि हमने श्रवण ठीक से नहीं किया है। जिस जिस समय हमारा श्रवण ठीक से नहीं होता है, देखिए आज आपने एक अच्छा लेक्चर सुना तो आपका इनर्शिया 4-5 दिन 6 दिन तक भी आप चला सकते हैं। 6 दिन तक आते आते पूरी एनर्जी डल हो जाती है, फिर आप अनुभव कॉन्टेंट में क्यों मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, कारण है वही कृपा की कमी हो रही। क्या कृपा की कमी हो रही? अरे मैंने साधु के वाक्य नहीं सुने, मैंने बहुत दिन से प्रोपा जी के लेक्चर नहीं सुना, मैंने बहुत दिन से गुरु महाराज के लेक्चर नहीं सुना। तो कृपा प्राप्त होती है गुरु के साधु के वाक्यों से, इसी को कहते हैं शब्द ब्रह्म। आध्यात्मिक जगत का मैसेज गुरु के माध्यम से, हाँ राजा का मैसेज उस प्रतिनिधि के माध्यम से जेल तक पहुंच रहा है, और न केवल मैसेज पहुंच रहा है। देखिए मैसेज तो नोटिस बोर्ड पे भी लगाया जा सकता है कि राजा ने कहा है कि जो मेरी सेवा करेगा उसे मैं अपने राज्य में अपने अपने राजमहल में नौकरी दे दूंगा, वो जेल से छूट जाएगा। तो नोटिस बोर्ड पे भी ये मैसेज लगा सकते हैं। जो शास्त्र है वो नोटिस बोर्ड के मैसेज के समान है, भगवान ने मैसेज दे दिया, नोटिस बोर्ड में छाप के लगा दिया गया, जेल में लगा हुआ है। लेकिन क्या जेल के पड़े नोटिस बोर्ड में नोटिस लगाने माध्यम से सब कुछ हो जाता है? अब कल हमारे मंदिर में लगभग 20-25 हजार लोग आए होंगे, तो हमने वहां बैनर लगाया अमोघ लीला का प्रोग्राम, 100 रुपए एंट्री फीस। आपको पता है कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया? नोटिस लगा हुआ था, सब देख रहे थे, 20 हजार आदमी ने देखा, एक आदमी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, एक आदमी ने भी। लेकिन वहीं पे कोई टेबल लगा कर खड़े होकर बोले रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, हजारों लोग करेंगे। तो शास्त्रों का जो मैसेज है वो नोटिस बोर्ड पे लगे हुए मैसेज के समान है, जो राजा के महल से डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट होकर के या छाप करके लगा दिया गया। ये शास्त्र कहाँ से आए हैं? ये भगवान की ही वाणी है। लेकिन जब तक इस नोटिस बोर्ड में लगे हुए मैसेज को भी कोई राजा का प्रतिनिधि ब्रॉडकास्ट नहीं करता, अपने आचरण से अपने ओर से आ करके उसको पब्लिसाइज नहीं करता,
उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। शास्त्रों के अंदर लिखी गई बात को भी जब तक वैष्णव और आचार्य आकर के जब बोलते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, दिखाते हैं, तब जाके जीव को प्रैक्टिकल लगता है, वास्तव में एक सच है। और जीव साक्षात उस राजा के प्रतिनिधि के स्टेटस को देख रहा है कि वाह क्या जीवन है इनका। तो राजा का प्रतिनिधि ऐसा होता है, वो अपने कपड़े देखेगा कि अरे मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, वो राजा के प्रतिनिधि के कपड़े देखेगा, अरे बाप रे बाप। वो अपना चेहरा देखेगा आईने में कि दाढ़ी उग रही हुई है, बड़ी बड़ी मूछे लगी हुई है, बाल बड़े हो रहे हैं, नाखून कटे नहीं है, बड़ी हुलिया खराब है, मैं दादा तो हूँ इस जेल का कि मेरा हुलिया देखो। और ये जो राजा का प्रतिनिधि देखो कितना मतलब वाह तेज निकल रहा है उसके चेहरे से, मानना पड़ेगा। तो ये से इंप्रेस होता है और फिर इच्छा का उसके हृदय में जागृत होती है, राजा का नौकर बनना कैसा होता होगा, जेल का कैदी बनने का तो मुझे एक्सपीरियंस है, राजा का सेवक बनना कैसा होता होगा। तब उस लोभ जागृत होता है। तो जब हम किसी वैष्णव से सुनते हैं, उनका संग करते हैं, तो हमारे लोभ जागृत होता है, कह रहे मुझे भी, मैं भी तो जरूर देखूं ये कृष्ण के साथ संबंध करने का क्या क्या सुख है। मुझे ध्यान है एक बार मैं अपने काउंसलर, हमारे काउंसलर चेतन चंद प्रभु जी से बात कर रहा था, मैंने कहा प्रभु जी को फोन लाके मैंने कहा प्रभु जी ये लस्ट बहुत सताता है, इस तरह की मैं बोला। तो जानते प्रभु जी क्या जवाब दिए, तो प्रभु जी ऐसे बोले, बोले प्रभु जी इस तरह नाक चढ़ा कर इसे क्या रखा है, तुच्छ सुख है। मैंने को लगा यार ये कैसे बोल सकते हैं, इतना कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं, इसमें क्या रखा है। हमको तो आज तक इतने दिन से कथा सुनने के बाद में, प्रवचन देने के बाद में, प्रचार करने के बाद में, शास्त्र के बाद में, अभी भी होप है कि नहीं सुख तो खैर कुछ तो सुख उस साइड है ना, बिल्कुल नहीं है बोलना कैसे संभव है। लेकिन जब प्रभु जी बोले क्या रखा है उसमें, आश्चर्य हो रहा है ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैंने एक चीज रियलाइज करी कि मैंने कहा जिस व्यक्ति को हरिनाम का सुख मिल रहा है, जिस व्यक्ति को भगवान के भजन का एक रस मिल रहा है, उसके लिए जो काम का सुख है, लस्ट का सुख है, जो सेक्स का सुख है, बिल्कुल तुच्छ हो गया है, बिल्कुल फीका पड़ गया है। तो जब ऐसे वैष्णव का हम संग करते हैं ना, तो हमारा भी एक लोभ जागृत होता है कि मुझे भी तुच्छ सुख से बाहर निकल के ना कृष्ण के साथ संबंध का सुख को प्राप्त करना है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य इस संसार में आते हैं, उनका आना भी दिव्य है, उनका पर्पस भी दिव्य है। वो केवल रोज राजा के प्रतिनिधि के समान इस जेल के अंदर आकर के जेल के कैदियों को याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जेल के बाहर भी एक बहुत खूबसूरत जीवन है। और न केवल जेल के बाहर अच्छा जीवन है, जेल के बाहर राजा का महल है, राजा के महल में आप राजा के सानिध्य में रहते हुए एक बहुत आनंदमय जीवन का जीवन जी सकते हैं, जिसका कोई बोध इस संसार के अंदर रहने वाले जीवों को नहीं है, इस जेल के अंदर रहने वाले जीवों को नहीं। तो उस आध्यात्मिक जगत के मैसेज को ना केवल लेकर के आते अभी तो जी करके दिखाते हैं। जब प्रभुपाद जी चला करते थे ना, प्रभुपाद जी का जो एलिगेंट स्टाइल था चलने का, उसको देख करके लोग मोहित होते थे। प्रभुपाद जी जब बोलते थे किसी, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, तो कितना रुतबे के साथ में, कितना कॉन्फिडेंस के साथ में। जब प्रभुपाद जी प्रसाद लेते थे, आप उनकी फोटो देखिए, एक राजा का जीवन भी क्या होगा। जब प्रभुपाद जी व्यास आश्रम में बैठ करके प्रवचन देते हैं, उनको जरा देखिए शेर की तरह दहाड़ते हैं। इस संसार के एक राजा के ऊपर राजा का जीवन भी क्या होगा, क्या क्या जीवन है प्रधानमंत्री का, जिसको हमेशा अपनी कुर्सी का डर है। इंद्र तक, इंद्र पद को जिसने प्राप्त किया है, वो हमेशा डर डर में रहते हैं कि कब असुर लोग आएंगे, अटैक करेंगे, मेरी कुर्सी ले जाएंगे, क्या सुख भोग रहे हैं वो। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी को, आप लाइफस्टाइल देखिए प्रभुपाद जी का, पढ़िए प्रभुपाद जी फोटोज, देखिए वीडियोस, देखिए आपको लगेगा वाह। जब ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि स्वामी जी आप एक सन्यासी होकर के इतनी बड़ी रोल्स रॉयस कार से घूमते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अरे भगवान के भक्तों को सोने के रथ पे बिठाना चाहिए, ये तो मेरी कृपा है जो तुम्हारे एल्यूमिनियम के डब्बे में बैठा हूं। क्या हाजिर जवाब प्रभुपाद, ऐसे होते हैं भगवान के दास।
ऐसे होते हैं। तो जो भगवान के दास कैसा होता है, जब तक बद्ध जीव को पता नहीं चलेगा वो क्यों दास बनने के लिए एस्पायर करेगा? क्या रखा है भगवान की दासता में? किसी अदानी की ना दास को आप देखिए, किसी अंबानी के दास को देखिए, हाँ तो देख कर क्या लगता है? कोई टाटा के दास को देखिए, उनको देख के क्या लगता है ना? शर्ट वर्ट टाई वाई पैंट वेंट ढाल ढोल करके, जूते मोजे कोट वोट लगा लुगो करके है, और इस तरीके से वो धार 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 चलते हैं। तो उनको देख करके बाकी जो बेरोजगारों के मन में लोभ आता है, काश हम भी अदानी के नौकर होते कि अंबानी के नौकर होते कि टाटा के नौकर होते, तो हमारे भी क्या जीवन होता है। तो लोग कैसे जागृत हुआ? उनकी लाइफस्टाइल को देख करके। जब ये कर्जे में डूबा हुआ, जितना कमाता है उससे ज्यादा टैक्स दे देता है, लेकिन उसके जीवन को, उसकी लाइफस्टाइल को देख करके है, उसके कपड़ों को देख करके, उसके बोलने की शैली को देख करके, उसके वो हवाई जहाज में घूमता है कि वो कार में चलता है, उसको देख करके लोगों के मन में एक लोभ जागृत हो कि हम भी है ना अंबानी के नौकर बनेंगे। सुन करके पता नहीं चलता, देख करके एक लोभ जागृत होता है। तो जब हम प्रभुपाद जी जैसे आचार्य को देखते हैं, जब हम इस तरह के शुद्ध वैष्णवों को देखते हैं, तब हमको देख करके लोभ जागृत, वाह कृष्ण के दास किसको कहते हैं जरा देखो तो सही, ऐसा होता है कृष्ण का दास, ऐसा उनका लाइफस्टाइल है, ऐसा उनका नॉलेज लेवल है, ऐसा उनका आईक्यू है, ऐसा उनके शरीर से तेज निकलता है, वाह। फिर उसके मन में जागृत होता है लोग, अरे संसार किससे बड़े आदमी का भी आप नौकर बन जाओ कोई वैल्यू नहीं, लेकिन कृष्ण का दास बनना, कृष्ण के नौकर बनने की जो महानता है, उसका आपको एक अनुभव होता है, छठा मिलता है। ये इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य इस संसार में अवतरित होते हैं, ये दिखाने के लिए कृष्ण का नौकर किसको कहते हैं, कृष्ण का दास क्या होता है। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण की इच्छा को इस संसार में जिसने स्थापित किया है, जो हमेशा भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पित थे, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे, उन भक्ति वेदांत स्वामी को हम नमस्कार करते हैं। नमस्ते सारस्वते देवे, सारस्वत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य हैं सारस्वत, गौरवाणी प्रचारिणी, इन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार किया है, और कैसा प्रचार प्रसार किया, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी, निर्विशेषवाद निराकारवाद शून्यवाद वॉइडिज्म, इन सबसे पाश्चात्य जगत को तार दिया, पार लगा दिया। इस प्रकार के अच्छा पाश्चात्य जगत को प्रभुपाद जी ने तारा है, अच्छा पूर्वी जगत को किसने तारा है? ये तो पश्चिम के जगत को प्रभुपाद जी तारा, तो पूर्वी को किसने तारा? प्रैक्टिकली देखिए तो पूर्वी जगत में भी अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार है प्रभुपाद जी ने किया है, लेकिन उनके प्रणाम मंत्र में केवल पाश्चात्य देश तारिणी क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी गुरु ने कहा था तुम पश्चिम में जाके प्रचार करो, तो जितना गुरु जी ने क्रेडिट दिया है प्रभुपाद जी ने उतने क्रेडिट रखा है, जितना उनके गुरु महाराज ने क्रेडिट दिया है कि तुम पाश्चात्य जगत का तारण करो, तो पाश्चात्य जगत प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली पूरी दुनिया को तारा है, लेकिन क्रेडिट में केवल कितना रखा है? पाश्चात्य जगत तारेंगे, क्योंकि गुरु जी के उत्तर आदेश था। यह है प्रभुपाद जी की अपने गुरु के प्रति निष्ठा समर्पण, जिन्होंने निर्विशेषवाद शून्यवाद से संसार को मुक्त करा दिया। इस प्रकार के स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के हम चरणों में हम सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समय हो गया है, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण।